हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजी ट्रिक्स बायोलॉजी में डीजी। कॉकरोच के माउस पार्ट्स को याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक के बारे में, तो आइए पढ़ते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे माउथ पार्ट्स की। माउथ पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर की। एंटीरियर में क्या पाया जाता है? फिर बात करेंगे पोस्टीरियर की, पीछे क्या पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे कैविटी में क्या पाया जाता है, माउथ कैविटी को क्या कहते हैं। उसके बाद की बात करेंगे लेटरल में क्या पाया जाता है, लेटरल में। उसके बाद टंग किसे कहते हैं, टंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, कैविटी, लेटरल एंड टंग। तो एंटीरियर को क्या कहते हैं, लेब्रम, लेब्रम। पोस्टीरियर को लेबियम, लेबियम। कैविटी को बोले मैक्सिला, मैक्सिला बोलते हैं। उसके बाद लेटरल को बोलते हैं मैंडिबल, मैंडिबल्स। और टंग होता है हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं आपका फ़ायदा हो। अब इसके लिए देखिए ट्रिक क्या है, कैसे हम आसानी से माउथ पार्ट्स को याद कर सकेंगे और आपके एग्जामिनेशन में जो हेल्पफुल होगा। आइए बात करते हैं ज़रूरी ट्रिक की, जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए एक तरीका है कि एक आदमी रम पिया, रम पीने के बाद क्या हो गया, उसे कसैला स्वाद लगा, तो वो पीने के बाद लेट गया और लेटने के बाद हाइपो हो गया। तो एरम, पीएम, कसैला, लेटिबल, तो हाइपो, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे, एरम, ए रम, ये एरम, पीएम, पीएम, ठीक है ना। फिर क्या होगा, कसैला, कसैला। फिर उसके बाद लेटिबल, लेटिबल। फिर तो हाई, तो हाई हो गया। मतलब कैसे याद करेंगे, एरम क्या हो जाएगा, ए रम, एरम क्या हो जाएगा, ए रम, एरम क्या हो जाएगा, ए रम, ये आर वाला रम, ठीक है। फिर हो जाएगा पीएम, पी आई यू एम, पीएम, एरम, पीएम। फिर का सैला, का सैला, ठीक है। फिर कैसे होगा, लेटिबल, लेटिबल हो गया। फिर क्या करेंगे, तो क्या हाइपो हो गया, ठीक है ना, हाइपो हो गया। तो कैसे याद करेंगे, एरम, पीएम, कसैला, लेटिबल, तो हाई। तो ऐसे याद करेंगे, कैसे हिंदी में लिख लें, एरम, एरम, पीएम, कसैला, फिर क्या लेटिबल, तो क्या हो गया, हाई हो गया, सारा मामला हाई हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर ये भी आपको कठिन लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा भैया क्या बता रहे, एरम, पीएम, तो उसके बाद एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको जरूर जरूर याद हो जाएगी। तो वो ट्रिक क्या है, ए पी, ए पी सी एल टी, ठीक है ना, ए पी सी एल टी। फिर क्या हो जाएगा, एल एल एम एम एच। फिर क्या हो जाएगा, आर आई एक्स एन एच वाई। ये पूछेंगे ये क्या है, तो देख लीजिए सबके पहले शब्द हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, कैविटी, लेटरल, टंग। फिर उसके बाद एल एल एम एम एच क्या है, एल मतलब लेबियम, फिर एल मतलब लेब्रम, लेबियम, मैक्सिली, मैंडिबल्स, हाइपोफेरिंग्स। फिर आर आर क्या है, ये आर देखिए लेबियम, लेब्रम सिमिलर है, तो इसका हमने आर ले लिया, इसका हमने आई ले लिया, तो लेब्रम हो गया, लेबियम हो गया। इसका एक्स ले लिया क्योंकि मैंडिबल में शुरू शुरू में लगभग सिमिलर है, तो इसका हमने एक्स लिया तो मैक्सिली हो जाएगा। इसमें हमने एन ले लिया क्योंकि एन डिफरेंट, इसमें एन डिफरेंट है, इसमें एक्स डिफरेंट है, तो इसमें हमने एन ले लिया। और लास्ट में हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये ऐसे याद करेंगे, रिक्स ना हाई, रिक्स मतलब रिस्क होता है, तो कोई कोई लोग रिक्स भी बोलते हैं, रिक्स नाउ हाई, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये ट्रिक अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।